नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कायम है। इस बीच चीन भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। खासकर चीन की नज़र हिंद महासागर पर है, जहां वो अपने नौसैनिक बेड़े को लगातार बढ़ा रहा है। अब खबर आ रही है कि चीन ने हिंद महासागर में पानी के नीचे ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। फोर्स पत्रिका के लिए लिखते हुए रक्षा विशेषज्ञ H.I. सटर ने दावा किया कि चीन के द्वारा तैनात किए गए सी ग्लाइडर एक तरह के अंडर वाटर व्हीकल हैं, जिन्हें एक साल पहले तैनात किया गया था। उनके मुताबिक इन ड्रोन की मदद से 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्हें इस साल फरवरी में रिकवर कर लिया गया था। सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए सटन ने कहा कि ये वैसे ही ड्रोन हैं जैसे कि अमेरिकी नौसेना इस्तेमाल करती है। 2016 में चीन ने इन्हें समुद्री जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। सटन ने लिखा कि हैरानी की बात है कि चीन इन ड्रोन को हिंद महासागर में क्यों तैनात कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिसंबर में चीन ने हिंद महासागर में 14 ड्रोन तैनात किए थे, जिसमें से वो 12 का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि ये ड्रोन ज़्यादा समय तक समंदर की गहराई में नहीं रह सकते हैं। खास बात यह है कि ये लंबी दूरी के मिशन में इस्तेमाल होते हैं। रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक हिंद महासागर में तैनात किए गए ड्रोन डेटा जुटा रहे थे। बता दें कि कुछ ही समय पहले CDS विपिन रावत ने कहा था कि दुनिया भर की शक्तियाँ अब हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाना चाहती हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुकाबले के साथ साथ हम हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों और ठिकानों की दौड़ भी देख रहे हैं। जनरल विपिन रावत ने कहा था कि हाल के वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था और सेना का आकार बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में उसका प्रभाव भी बढ़ा है, जिसने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे समूहों और आसियान के साथ भारत को अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए, ताकि वो अपने रणनीतिक हितों को पूरा कर सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।